चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ त्रिपुरा की एक ब्यूटीफुल प्लेस उज्जैन प्लेस में। तो मैंने इस प्लेस में बहुत ही साल पहले गया था जब मैं छोटा था, और आज मैं फिर से जा रहा हूँ इस प्लेस पर। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट किया जाए। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का और एक नया ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा की एक ब्यूटीफुल प्लेस उज्जैन प्लेस पर। सो इस प्लेस पर मैं आज से 4 या 5 साल पहले एक बार आया था स्कूल की पिकनिक की तरफ से। आज मैं वहाँ पर फिर से जा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4 या 5 साल में तो पार्क और प्लेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ होगा। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 10 बजे है। हम लोग मेन रोड से जा सकते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग गलियों के रास्ते से जाएंगे, मेन रोड से थोड़ा साइड के रास्ते से जाएंगे वहाँ पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं जो गलियों के रास्ते हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग देख ही सकते हैं। जबकि ये त्रिपुरा का राजधानी है तो ट्रैफिक तो होगा ही। सो आज से 4 या 5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था स्कूल की पिकनिक की तरफ से, तब मैं बस से आया था, लेकिन आज मैं आया हूँ बाइक से। माँ कसम बोल रही हूँ यार, बाइक से राइड करके यहाँ पे आने का जो मज़ा है ना, वो मज़ा आपको बस पे नहीं मिलेगा। वो वाला गाना याद है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। इस गाने के साथ अगर आप बाइक चलाओगे ना तो आपको मज़ा तो आने ही वाला है। तो ओके गाइस, बाइक चलाते चलाते मैं आप लोगों को एक बात और बोल, आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। इसी बात के साथ हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ी ही दूर में है उज्जैन प्रसाद का सामने का गेट। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है उज्जैन प्रसाद का सामने का गेट। तो ये है मेन रोड, अभी गेट पर जाने के लिए हम लोगों को मेन रोड को क्रॉस करना पड़ेगा पहले। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वे है राजबाड़ी का सामने का जो नज़ारा है ये वाला, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी 10 बजे का टाइम दिया गया है और हम लोग अभी 9 बजे आकर पहुँच चुका हूँ। तो अभी तक गेट ओपन नहीं किया है तो इसलिए बाहर पर वेट करना पड़ेगा। तो गेट ओपन हो जाएगा तो हम लोग अंदर घुसेंगे। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद अभी फाइनली हम लोगों को खबर मिला है गेट ओपन होने वाले हैं, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। सो अंदर जाने से पहले हम लोगों को यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हम लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे। ओके गाइस, तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद में इस जगह पर आया हूँ। बहुत दिनों से प्लान था इस जगह का हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप ही देख ही सकते, ये है त्रिपुरा का अगरतला का उज्जैन प्रसाद। गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं हम बिल्कुल सामने हैं प्रसाद के, पूरा सामने हैं हम लोग। अभी बाहर का जो नज़ारा है आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। बाहर का जो नज़ारा है उसको पहले हम लोग देखेंगे, देखने के बाद अंदर जाएंगे। बाहर का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा एरिया यहाँ पर है। हम लोग प्रसाद का जो ऊपर का सीरिया है, सीरिया चढ़ के थोड़ा सा ऊपर आया हूँ हम लोग, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ से जो सामने का गेट है ये है उस तरफ, बहुत दूर है। तो ये लोग पीछे कैमरा कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। तो देख ही सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है व्यू। अभी जो टनल आप लोग देख रहे हो, जिस रास्ते पे हम लोग हट रहे हैं,
तो ये एक रास्ता नहीं है, ये एक टनल है। अभी ये सूखा पड़ चुका है, अभी बारिश का मौसम भी चले गई है इसलिए ये सूखा पड़ चुका है, नहीं तो पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था। इस गार्डन पे उज्जैन प्रसाद के जो बाहर का जो गार्डन है, इस गार्डन पे लगभग एक से डेढ़ घंटा घूमने के बाद हम लोगों को पता चला है कि प्रसाद का जो अंदर का रास्ता है वो कुछ महीने के लिए बंद है। हम लोगों को अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, तो अगली बार आना पड़ेगा इस प्रसाद के अंदर जाने के लिए। तो अभी तक ऐसे ही बाहर से देख के हम लोगों को जाना पड़ेगा। पिछले टाइम जब आऊँगा तो अंदर का भी वीडियो करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके गाइस, इस गार्डन को हम लोगों ने पूरा घूम लिया है, अंदर जाने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिला, तो अभी टाइम है घर जाने का। मिलते हैं और एक वीडियो।